जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आरके शास्त्री ज्योतिष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंडली देखने का सबसे आसान तरीका पार्ट थर्ड में मैंने मेष लग्न की कुंडली के प्रत्येक भाव को, इसकी जानकारी के साथ साथ में ग्रहों के अंश, उसकी मित्रता और शत्रुता के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया है। आज मैं आपको कुंडली के द्वादश भावों को रीड करना बताऊंगा, साथ ही इसमें आप जानेंगे कौन से ग्रह किस भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण कौन कौन से हैं, कुंडली में कौन से हैं पावरफुल हाउस, कौन से हैं अच्छे ग्रह और कौन से हैं बुरे ग्रह, ये सब जानेंगे इस पार्ट फोर्थ में। लेकिन इससे पहले यदि मेरे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा हो तो अवश्य देख लें, इससे आज जो बताने वाला हूं उससे अच्छे से आप समझ जाएंगे। उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ में दे रहा हूं। और यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य कर लें, और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मेष लग्न की कुंडली में बताया था। अब वापस आते हैं फर्स्ट हाउस पर, इसे लग्न भी कहते हैं। तो पहले घर से जातक के चरित्र, स्वभाव, शारीरिक संरचना, इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह डिपार्टमेंट मिला है मंगल देव को, तो उस व्यक्ति का स्वभाव उग्र होगा, वह साहसी और पराक्रमी होगा, स्वभाव से कुछ रूखा होगा। यदि मंगल देव इस स्थान में बैठे हों तो वह मांगलिक भी कहलाता है। देखिए, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और बारहवां, इन घर में अगर मंगल देव हो तो वह मांगलिक कहलाता है। लेकिन पहले घर यानी कि फर्स्ट हाउस में मंगल हो, अपने ही घर में मंगल हो तो अच्छे रिजल्ट देंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, जो लग्नेश होता है यानी कि फर्स्ट हाउस का जो मालिक होता है वो पूरी कुंडली का होल सेलर होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कोई प्रधानमंत्री है, वो अपने अधीनस्थ जो भी मंत्री हैं उनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, किसी को शिक्षा मंत्री तो किसी को कृषि मंत्री तो किसी को गृह मंत्री तो किसी को चिकित्सा मंत्री, ये विभाग और ये दायित्व देते हैं। उसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में भी जो है लग्नेश अन्य सभी ग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं। जैसे बात करते हैं सेकेंड हाउस, इसका डिपार्टमेंट मंगल देव ने दिया है शुक्र देव को। सेकेंड हाउस कुटुंब, वाणी और धन लाभ, धन संचय का भी है। ये डिपार्टमेंट जो वित्त विभाग है ये शुक्र देव को मिला। अब इसमें शुक्र देव धन का लाभ देंगे या नहीं देंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देन ये तीसरा घर, ये पराक्रम भाव कहलाता है, ये मिला बुध देव को। क्यों मिला? क्योंकि बुध देव मंगल देव के शत्रु है, इसलिए जो मेहनत का घर है ये अच्छा घर नहीं कहलाता है, इसलिए ये घर दिया है बुध देव को। तो अब इसके बाद में चौथा घर जो है माता, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, सुख ऐश्वर्य का घर है, इसको केंद्र भी कहते हैं, ये अच्छा घर है, ये मिला चंद्रदेव को। क्योंकि चंद्रदेव जो है मंगल देव के बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए, केंद्र कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस और ये टेंथ हाउस, ये केंद्र कहलाते हैं जो अच्छे घर हैं। देन बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस जो है ये सूर्य देव को मिला, ये त्रिकोण भी कहलाता है, त्रिकोण भी अच्छे फल देते हैं। देखिए, त्रिकोण कौन कौन से हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और ये नाइन्थ हाउस, ये तीनों ही त्रिकोण कहलाते हैं और ये अच्छे घर हैं। पांचवा घर जो है ये शिक्षा विभाग, विद्या, बुद्धि, शिक्षा के साथ साथ में संतान और लव अफेयर्स, प्यार, इसका भी विचार किया जाता है। ये सूर्य देव को मिला क्योंकि सूर्य देव भी मंगल देव के बेस्ट फ्रेंड है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, तो ये छठा घर जो है ये घर, ये रोग और शत्रु का घर है। तीसरा घर मेहनत का घर है,
ये दोनों ही घर अच्छे घर नहीं है, और ये दोनों ही घर जो है मिले हैं बुध देव को। क्यों मिले? क्योंकि बुध देव मंगल देव के शत्रु हैं। देन सातवा, सातवा घर जो है यह केंद्र भी कहलाता है, यह जीवन साथी का घर है, साथ में दैनिक व्यवसाय पार्टनरशिप का स्थान है, ये डिपार्टमेंट भी शुक्रदेव को मिला। क्योंकि शुक्रदेव मंगल देव के मित्र नहीं है, तो शुक्रदेव इसमें अच्छा परिणाम देंगे या नहीं देंगे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके बाद में आता है आठवा, इस घर के जो मालिक हैं वो मंगल देव है। देखिए आठवा घर जो है ये गहरी खोज के साथ साथ में मृत्यु का घर भी है, ये अच्छा घर नहीं है, लेकिन मंगल देव चूंकि लग्नेश भी है इसलिए, और इस कुंडली के होलसेलर भी हैं, इस कुंडली के राजा हैं, इसलिए मंगल देव को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। अब आता है नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस इसमें धनु राशि है, इसका मालिक बनाया बृहस्पति देव को। नाइन्थ हाउस त्रिकोण भी कहलाता है, ये विदेश यात्रा भाग्य धर्म देवीय शक्ति इन सबका स्थान है। तो बृहस्पति देव मंगल देव के अति मित्र हैं, इसलिए जो है ये त्रिकोण का घर इनको अच्छा घर मिला, तो ये भाग्य के साथ साथ में ये विदेश मंत्री भी बने बृहस्पति देव। अब इसके बाद में टेंथ हाउस, ये जो कर्म भाव भी कहलाता है, उच्च शिक्षा पिता नौकरी व्यवसाय आदि का स्थान है, इसमें मकर राशि है, और ये घर मिला है शनि देव को, और साथ में ये जो ग्यारहवा घर है इसमें कुंभ राशि है, इसके दसवें घर के और ग्यारहवें घर के मालिक बने हैं शनि देव। शनि देव मंगल देव के मित्र नहीं है, लेकिन इनको एक केंद्र मिला है, तो ये शनि देव जो है बुरे घरों में ग्रहों में नहीं आएंगे, और इसलिए अच्छे फल देने वाले होंगे। यदि इसके बाद में बात करते हैं बारवा, बारवा जो घर है इसमें राशि है मीन, ये मिला है बृहस्पति देव को। ट्वेल्थ हाउस अच्छा नहीं कहलाता है, लेकिन बृहस्पति देव एक अच्छे घर के मालिक भी हैं। नौवां घर जो केंद्र या त्रिकोण कहलाता है वो भी बृहस्पति देव को मिला, इसलिए बृहस्पति देव यहां पर भी जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए यहां मैं एक बात वापस अच्छी तरह से बता देता हूं, इसको अच्छी प्रकार से आप समझ लीजिए। पहली बात, यदि लग्नेश किसी बुरे घर में बैठेगा या लग्नेश किसी एक बुरे डिपार्टमेंट का मालिक भी है तो भी वह बुरे परिणाम नहीं देगा और वो अच्छे ग्रहों की लिस्ट में ही रहेगा। दूसरी बात, यदि कोई ग्रह त्रिकोण के मालिक है वे भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और यदि उन्हें एक बुरा घर भी मिला है तो भी वे अच्छा रिजल्ट ही देंगे। देखिए पहले घर को त्रिकोण कहते हैं, ये जो पांचवा घर है इसको भी जो है त्रिकोण कहते हैं, और ये जो नौवां घर है इसको भी त्रिकोण कहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह त्रिकोण के मालिक है और उसकी एक राशि बुरे घर में है तो भी जो है वैसे वो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। जैसे नौवां घर की बात करते हैं, यहां पर है धनु राशि जो बृहस्पति देव को मिले, और इन्हें एक जो है ट्वेल्थ हाउस यानी जो बारहवा नंबर का घर है वो भी मिला जो बुरा घर है, लेकिन बृहस्पति देव त्रिकोण के मालिक है इसलिए इनको बारहवें नंबर का दोष नहीं लगेगा और ये अच्छा ही परिणाम देंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि लग्नेश और त्रिकोण के स्वामी को एक बुरा घर भी मिला है तो वे अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो देखिए कुंडली में कौन कौन से पावरफुल हाउस है, पहला जो कि लग्न भी कहलाता है और केंद्र भी है, केंद्र कौन कौन से हैं, एक चार सात और दस, ये जो घर है ये केंद्र कहलाते हैं। पहला पांचवा और नौवां ये त्रिकोण कहलाते हैं, पहला पांचवा और नौवां ये जो है त्रिकोण कहलाते हैं। तो इस कुंडली में कौन कौन से घर पावरफुल है, पहला चौथा पांचवा सातवा नौवां और ये दसवां, ये सभी पावरफुल हाउस है, ये सभी अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और इन घरों में जो भी राशि होती है उनके मालिक अच्छे ही परिणाम देने वाले होते हैं। तो ये मेष लग्न की कुंडली में मैंने बहुत ही सरल तरीके से ग्रहों के अच्छे हाउस के बारे में और बुरे हाउस के बारे में इनको समझाने का प्रयास किया, साथ में केंद्र और त्रिकोण सहित ये जो 12 भाव है इनको मैंने बताया।
उन्हें आप एक रजिस्टर में आप मेंटेन करते रहें और इन्हें अच्छे से समझ लें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अच्छे या बुरे ग्रह कब रिजल्ट देते हैं इसके बारे में विस्तार से अगले पार्ट फिफ्थ हाउस में फिफ्थ पार्ट में बताऊंगा। साथ ही विंशोत्तरी महादशा, योग कारक ग्रह और मारक ग्रहों के बारे में भी बताने वाला हूं। विपरीत राजयोग के साथ साथ में कौन से ग्रह क्या रिजल्ट देंगे ये सब पांचवें पार्ट में आप जानेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपका कोई भी कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। साथ में इसे लाइक और शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।